तो मैं हूँ बाब आपका हेयर ड्रेसर, आपका हेयर एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं ग्लोबल प्लस कैरेटिन। बट जो हमारे सामने हेयर है, लेट्स सी, जो हमारे पास हेयर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक साल पहले हाईलाइट्स थी और एंड्स बिल्कुल पोरस हो चुके हैं। और हम अगर रूट्स पे आते हैं सो कुछ परसेंट ग्रे हेयर भी है, एंड जो नीचे का पार्ट है हमारा ब्लोंड में नेचुरल है। सो अब हम ग्लोबल करने वाले हैं तो हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारा ग्रे भी प्रॉपर कवर हो, नीचे के जो हाइलाइटेड एरिया है वो भी प्रॉपर हमारा इक्वल आना चाहिए। सेकंडली जो हमारा नेचुरल ब्लोंड है, जो नेचुरल बेस है, वो भी सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्टली आई डू कि मैं नीचे हाइलाइट्स पे थोड़ी सी फिलिंग टेक्निक यूज़ करूँगा, तो आपको फिलिंग टेक्निक का ही पता चलेगा कि वो क्या होती है। देन मैं रूट्स पे हल्का सा एक लेवल पेस्ट डार्क डाल के टचअप करूँगा, देन हम उसको प्रॉपरली मल्सीफाई करेंगे ग्लोबल एप्लीकेशन के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। फिलिंग टेक्निक इज बेसिकली पिगमेंट ऐड करना। जैसे हम लोग प्रीलाइट करते हैं, पिगमेंट हम लोग निकाल देते हैं, तो फिलिंग टेक्निक से हम लोग पिगमेंट ऐड करते हैं। तो पिगमेंट ऐड करने का लाइक ईजिएस्ट वे है कि जो भी आप बेस देना चाहते हो, जो भी आप फैशन शेड या कलर देना चाहते हो, उस कलर के सिंपल ट्यूब के अंदर विदाउट डेवलपर जस्ट पानी से उसकी एक कोटिंग करके देन उसको हेयर पे अप्लाई करना। तो मैंने अपना कलर निकाल लिया, देन उसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। कंप्लीट हो चुका है, यू कैन सी ये ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छे पिगमेंट हमें दिख रहे हैं, प्रॉपर कलर ब्लेंडेड है पानी के साथ भी। सो अब हम इसको अप्लाई करेंगे हेयर पे। तो अब देखिए कि हमारे जो हेयर है हाइलाइटेड वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर से डार्कर आ रहे हैं, जैसे लाइटर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो हमारा कलर स्टार्ट हो रहा है प्रीवियसली, हम लोग वहीं से उसको ब्लेंड करेंगे जो हमने कलर अभी रेडी किया है। इससे मेनली आपको कुछ कलर में ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा नहीं, बस जो आपका ब्लोन पार्ट होगा वो आपका नेचुरल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा जो भी आप शेड डालने वाले हैं। बेसिकली इस टेक्निक से आपको पिगमेंट मिल जाएंगे होल्ड करने के लिए, बिकॉज हेयर हमारे ऑलरेडी पोरस है। आपने देखा होगा आप कलर करते हो बहुत जल्दी फेड हो जाता है, खासकर जब आप प्रीलाइटेड हेयर पे कलर करते हो, तो प्रीलाइटेड हेयर पे कलर को होल्ड करने के लिए उसमें पिगमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ज़्यादा पिगमेंट डालने के लिए हम लोग ये फिलिंग या फिर प्री पिगमेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह मैं सारे पे लगाऊंगा और देन फिर हम करते हैं आगे का प्रोसेस। सो हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, नाउ हमें बस 10 से 15 मिनट का वेट करना है कि थोड़ा सा कलर हमें शटल होता हुआ दिखे, थोड़े पिगमेंट हमारे कलर में ऐड हो जाए, फिर हम बाकी का प्रोसीजर फॉलो करें। हमें 15 मिनट्स के आसपास हो चुकी है और अब जो उतना ब्लोंड नहीं है, थोड़ा कलर शटल हो चुका है, पिगमेंट हमारे ऐड हो चुके हैं, अब जो हम कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो अब मैंने ग्लोबल मिक्स कर लिया है जो भी मैं शेड देना चाहता हूँ विथ 20 वॉल्यूम, तो हम लोग वो अप्लाई करेंगे। बट मैं अभी रूट छोड़ दूंगा, टचअप हम लोग अप्लाई करने के बाद करेंगे ताकि ग्लो ना करें। सो हम लोग एप्लीकेशन पूरी ही करेंगे रूट छोड़ के। बट अब पूरी एंड तक करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने पिगमेंट दिए थे वहाँ पे हमें ग्रिप मिल जाएगी और दैन ऊपर से हम लोग इसको एक नरिश कर सकते हैं प्रॉपरली। सो एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, ग्लोबल मैंने अप्लाई कर दिया था। ग्लोबल अप्लाई करने के बाद सेम जो भी मैं कलर शेड ले रहा था उसके अंदर एक लेवल डार्कर कलर लेके मैंने उसको रूट्स पे अप्लाई किया है टचअप के दौरान, ताकि रूट्स ग्लो ना करें और जो ग्रे थे वो कवर हो जाए। सो वील वेट अराउंड 20-25 मिनट्स, देन उसके बाद रिजल्ट देखेंगे और फिर हम करेंगे कैरेटिन स्टार्ट। ग्लोबल एप्लीकेशन हम लोग कर चुके थे, हमने ग्लोबल वॉश कर दिया, देन अब हम कैरेटिन अप्लाई कर चुके हैं। यू कैन सी कैरेटिन अप्लाई हो चुकी है। हम लोग 25-30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। बाकी मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग कलर के साथ कैरेटिन करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखनी है, पहली कि जो भी आप फाइनल आउटपुट चाहते हैं कलर का अपना, उससे एक लेवल डार्कर चूज़ करें, क्योंकि कैरेटिन किसी भी कंपनी की हो वो थोड़ा सा कलर लिफ्ट जरूर करती है। और जब भी आप जो कैरेटिन यूज़ करने वाले हैं उसका ध्यान रखें कि उसकी कैपेसिटी कितने भी को, काफ़ी कंपनीज दो लेवल तक भी लिफ्ट कर देती है, तो आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली कि जब भी हम लोग कैरेटिन करते हैं कलर के बाद, तो डायरेक्ट ग्लोबल वॉश करके कैरेटिन अप्लाई नहीं करते, पहले हम लोग ट्राई करके अपना कलर चेक कर लेंगे क्या जो हमें चाहिए था वो कलर एग्जैक्ट है या नहीं है। अदरवाइज वो नहीं है तो पहले वो करेक्शन करना है, चेंज करना है, देन कैरेटिन अप्लाई करना है, क्योंकि उसके बाद कैरेटिन के बाद आप 2 महीने तक हेयर पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसी का ध्यान रखना। अब हम आधा घंटा वेट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अपनी नॉर्मल प्रेसिंग करेंगे, ड्राई करेंगे, देन हम सीधा फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेंगे। कैरेटिन की प्रेसिंग हो चुकी है, सो आइए देखते हैं फाइनल आउटपुट। सी हमें ऊपर से एक बहुत प्यारा रिच कंट्रास्ट मिल रहा है, एंड जो नीचे एंड में मैंने बताया था कि पिगमेंट ऐड करने की वजह से हमें बहुत एक चॉकलेटी रिफ्रेशिंग लुक मिल रही है, हल्की सी लाइटर टिंच है,
बट नॉट मच, और ऊपर ग्लोबल से ब्लेंड होता हुआ प्रॉपरली कलर आता है और रिफ्लेक्ट भी प्रॉपरली सारा इक्वल है और एक में बहुत बेहतरीन सा कलर देखने को मिला। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।